नमो अहंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यानम नमो इच्छायानम नमो लंग सबसम शुद्धात्मान मणिकांतम साधमत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्धार्थम संदृष्टि अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाजो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं ज्योतिःशासनम्। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा वंदो मन बच काहे प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार प्रभु। बिना प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि भी नहीं प्रवर्तता है। कोई कुबुद्धि हो, कुबुद्धि खोटी बुद्धि इसकी है, वही बिना प्रयोजन भूत कार्यों में लगा रहता है, फालतू सोचता रहता है, फालतू बोलता रहता है, फालतू काम करता रहता है। यहाँ से उठाई वहाँ धरी, वहाँ से उठाई वहाँ धरी, वहाँ से उठाई वहाँ धरी। अरे काम की है तो यहाँ रखो, नहीं काम की है तो किसी को खत्म कर। कोई मंद बुद्धि जी भी बिना प्रयोजन नहीं प्रवर्तता। मंद बुद्धि कौन? हेउपशम कम है लेकिन विपरीत नहीं है। कुबुद्धि और मंद बुद्धि में अंतर है। बुद्धि की मंदता से उपदेश को सुनते तो हैं परंतु विशेष नहीं समझ पाते, भी अलग है। ऐसे श्रोताओं को पुण्यवंद भी है लेकिन मदमत्सर भाव से जो सुनते हैं, सुनते तो हैं परंतु सुहाता नहीं है, सुहाता नहीं है। ऐसे श्रोताओं को पापबंद ही होता है। मदमत्सर भाव से तर्कादिक करने का ही अभिप्राय जिनका रहता है, बुद्धि तो बहुत है लेकिन कुतर्क करने के लिए। भक्त ने निश्चय न्याय का कथन किया तो उन्होंने व्यवहार सामने कर दिया, और व्यवहार का कथन किया तो निश्चय सामने कर दिया, मतलब काटने की बात है। ऐसी श्रोताओं को पाप बंद ही होता है। बुद्धि मंद हो तो कोई बात नहीं, विपरीत हो तो खतरनाक है। कोई धीरे धीरे भी चले, सही दिशा में चले तो पहुंच जाएगा, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन विपरीत दिशा में दौड़ करके भी चलेगा तो क्या पहुंचेगा? विपरीत दिशा में दौड़े भी तो पहुंचेगा क्या? समझ दृष्टि मंद बुद्धि हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मुंडाजों के क्षय उपशम भी मंद हो सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कुबुद्धि नहीं होती। मिथ्या दृष्टि कुबुद्धि है, और कुबुद्धि के संबंध में एक सावकाचार्य जी में बहुत सुंदर लाइन लिखी, अभिमानी के अनेक प्रकार की कुबुद्धि उपजे है। अभिमानी के नाना प्रकार की कुबुद्धि उपजती है। बहाना बनाने की में बुद्धि चलती है, छिपाने में बुद्धि चलती है, इधर उधर कहने में बुद्धि चलती है, उलझाने में बुद्धि चलती है, समाधान करने में बुद्धि नहीं चलती। हम वही समझ भ्रमने में बुद्धि भ्रमती है, थिरता में बुद्धि नहीं चलती। उपयोग थिर कैसे हो?
इच्छाओं की पूर्ति में बुद्धि चलती है, इन इच्छाओं का अभाव कैसे हो उसमें सोचने ही नहीं पाता, सोच ही नहीं पाता, बड़ी शुष्कता है। विज्ञान तो हम कर लेते हैं और किसी का दोष नहीं है, लेकिन शांति नहीं मिलती भैया। विज्ञान करे और शांति में मिले ये तो असंभव बात है। विज्ञान तो हम कर लेते हैं, मैंने शास्त्र की डटी सुनी पड़ी बातें जो हैं तो बस अपने विचार कर लिया, भिन्न है अपन भिन्न है, सबका परिणाम स्वाधीन है, बस खत्म हो गया। अब शांति कहां से मिले? क्या करें, वो मोह नहीं छूटता। अब मोह कैसे छूटे, ये कोई उपाय नहीं है, उपाय नहीं। भेद ज्ञान, भेद ज्ञान क्या करते हो, मानो किसी और को और से भिन्न बताता है। छोटे मत जी ने भूल बताई, भेद ज्ञान भी करता है तो मानो किसी और को और से भिन्न बताता है। पाप को दुख का कारण कहता है तो औरों के पाप को दुख का कारण कहता है। अशरण अध्रुव कहता है तो औरों की, इनकी संपदा अध्रुव है, इनका परिवार अध्रुव है, इनके बाल बच्चे अशरण हैं, अपने लिए नहीं लगाते। वेद ज्ञान में एक पक्ष स्व होना चाहिए। अभेद के आश्रय से वेद ज्ञान होता है, अभेद के आश्रय बिना वेद ज्ञान कैसे होगा? अगर पूर्व चर्बी हो तो वेद ज्ञान करने के बाद फिर अभेद अपने में होगा कि परि में होगा? एक घर में रोज लड़ाई होती थी, मान लो अज्ञानियों में लड़ाई होगी, अज्ञानियों में विसंवाद होता है, ज्ञानियों में हो तो संवाद होता है। तो रोज लड़ाई हो गई, भैया किसी सज्जन काय को रो रो लड़ाई लड़ रहे, तो कहा करने तुम्हें, अरे बताओ ये पढ़ा, ये कहता है ये तुम बनाओ, ये कहते तुम बनाओ, कौन बनाए क्या करे, और जी भैया बंटवारा कर लो, ठीक है। अब बंटवारा कर लिया कह तो ठीक है आप कर दो, बंटवारा हो गया, पंच बैठ गए। अब बंटवारा होने के बाद फिर क्या होता, लड़ाई होती रहती है। अरे उस वो अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारा पैसा, सारा समय अपने हिस्से में लगा देता। बंटवारा हुआ, दूसरे दिन से काम लग गया, लेकिन कहां काम लग गया, अपनी गेम। तो जब भेद ज्ञान हो गया तो अपना उपयोग कहां लगा, ये बता। कहे भैया जे, अब वो भैया के हिस्से में है, वो नहीं बना रहा, आप क्या करें, उसको छोड़ो, खत्म। अपना बंटवारा होने के बाद जितनी बुद्धि है, शक्ति है, समय है, वो अपने में लगेगा कि पर में लगेगा? तो ये भेद ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान बातें करता है, वेद ज्ञान होने पर तेरा उपयोग तो कहां लगेगा? झूठा वेद ज्ञान है तुझे, अभेद ज्ञान नहीं हुआ तो वेद ज्ञान कहां का उपयोग जो होता है ना, जो अपने से अभिन्न होता है तब भिन्न भाषित होते हैं पर पदार्थ। जब तक अपने से अभिन्न ना होवे तब तक पर पदार्थ भिन्न भाषित होंगे कैसे? हम ये नहीं है, हम ये नहीं है, हम ये नहीं है, अरे तुम हो कौन, चल समझ में आए तब तो ये नहीं हो समझ में आए। ये तो चर्चा कई बार कर चुके भैया, देह की भिन्नता का ज्ञान भी आत्मा से अभिन्न हुए बिना नहीं हो सकता। निज में नई बुद्धि आए बिना पर में पर बुद्धि नहीं आती, ये सम्यक है ज्ञान की बात है। लेकिन शास्त्र से पढ़ करके, उपदेश से सुन करके, बुद्धि से विचार करके भी अगर भेद ज्ञान किया जाए तो फिर अपना उपयोग अपने में जाएगा, उधर उधर क्यों जाए? अब तुम ये आधा क्यों कर रहे, झाड़ रहे हो कि अपना हमारे हिस्से में इतना आया वो करे। रायचंद जी क्या कह रहे, भाई बागर का बगीचा सूखे तो सूखे, हम क्या करें,
महाराज की का दशा हो रही है, आपको ध्यान रखो। भैया दो बगीचे हैं, मेरा बगी पानी, मेरे बगीचे में जा रहा बाहर का बगीचा, सूख है सूख है, हम क्या करें? बोल, वेद ज्ञान का फल क्या है? बोलो, वेद ज्ञान में दो होते हैं, एक स्व और एक पर। तो वेद ज्ञान का फल क्या होगा? पर से विरक्ति और स्व में रति, पर से विमुख और स्व के सन्मुख। अब इसका नाम वेद ज्ञान है। जो जानता नहीं आत्म को अनात्म भी नहीं जानता। ये मेरा नहीं है ये समझने के लिए मेरा कौन है ये समझो। मेरो तो एक आत्मता में ममत जो कीनो, और सवे मम भिन्न जान समता रस भीनो, और सवे मम भिन्न का आत्मा के आशय। हम ये कह रहे हैं, अभी भैया कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ये सब विनाशी हैं, अविनाशी नहीं है। क्यों कह रहे हैं? तुम अविनाशी माने बैठे हो, इसलिए कह रहे हैं ये बिना अविनाशी नहीं है। ऐसा जानकर क्या करो? अरे रुको, अविनाशी नहीं है ऐसा जानकर क्या करो? वहां से विरक्त हो। और प्रश्न आना चाहिए, लंघन के बाद भूख नहीं लगे तो अभी लंघन पूरा ही नहीं हुआ। लंघन के बाद भूख लगना चाहिए, पेट पेट साफ हो गया, फ्रेश हो गए, और भूख के भूख तो है नहीं, जी कौन सी बात है? जब मल का निष्कासन हो गया तो भूख तो लगेगी क्यों भाई? ये सब अविनाशी हैं, विनाशी हैं, तो अविनाशी कौन है? इसको ये भूख लगाने के लिए, जिज्ञासा जगाने के लिए। ये सब अशरण है तो शरण कौन है? ये सब पर है तो स्व कौन है? ये सब प्रेम करने लायक नहीं है तो प्रेम करने लायक कौन है? ये बता। प्रीति करने, प्रेम माने प्रीति, प्रीति करने लायक कौन है? ये सब संसार में किसी का भरोसा नहीं है, तो इनका भरोसा नहीं है तो भरोसा करने लायक कौन है? विश्वास करने लायक कौन है? प्रश्न खड़ा होना चाहिए, अगर प्रश्न खड़ा नहीं होता तो पंडिताई है, कोई मतलब की नहीं है पंडिताई। स्वाध्याय स्थिर करता है उपयोग को। स्वाध्याय का फल पड़ा है, शास्त्राभ्यास का ही समझ लो क्या है। अति चंचल मन भी स्थिर होता है, अति चंचल मन भी स्थिर होता है, होता है नहीं हो तो समझ लेना स्वाध्याय किया ही नहीं। जहाज के पक्षी की तरह उड़ना बंद बैठ करके रह जाता वो, समुद्र के बीच के जहाज के पक्षी की तरह वो बैठ करके रह जाता है। अब कहाँ उड़े, चारों ओर पानी 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 पानी। गलती तुम्हारी और तुम वैसे ही, जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है, गलती तुम्हारी है। निज को निज कहो फिर तुम छोड़ के चले तो हमें बता। तुम कहते ही उसे हो अपना, जो अपना नहीं है, जो जाने वाला है उसे तुम अपना कहते तो वो तो जाएगा ही। जग में निज जिसको निज कहता मैं, किसको निज कहता मैं? जो छोड़ करके चला जाने वाला है उसको नहीं कहते हो। अब गलती तुम्हारी है, हम क्या करें? निज कहने से पहले समझ तो लो कि वो निज है भी कि नहीं है। एक दृष्टांत दिया था ना, वो ट्रेन में गांव का आदमी रिजर्वेशन के डिब्बे में पहुंच गया। अब लोग तो अपने टाइम से आते, वो आधे घंटे पहले पहुंच गया, पूरी गाड़ी खाली, उन्हें ये बढ़िया मजे की बात, अपने आराम से बैठ गया। अब वो आया रिजर्वेशन वाला जिसकी सीट थी, ए भाई उठो, तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, यहाँ बैठ गया, दूसरी जगह बैठ गया। दूसरा आया, उन्हें उठो,
भाई तीसरा आया वो नहीं उठो, अब उसको गुस्सा आ गई, बोले टिकट लाइए पैसा दे, हमने हम का खोले, हम पहले आए। भैया पैसा दे तो काहे की ले, काहे की टिकट ले, टिकट दिखाना सज्जन पुरुष। बोले जी जनरल डिब्बा की टिकट है, वहां जाओ पीछे। भाई हैं दादा ये रिजर्वेशन का डिब्बा है, तो हम कहां बैठे? कि तुम कहां बैठे, तुम जान तुम वहां बैठ जाकर अपनी सीट पर बैठोगे तो कोई नहीं उठाएगा, और चाहे किसी की सीट पर बैठोगे तो उठाएगा ही। ये तो नीति में लिखा, रहमन तहां न बैठिए जाते हैं दे उठाए। जो अपना नहीं है उसे अपना तुम मान बैठो और बड़ भरोसे में बैठो, ये बैठे कांच खंड को मणि मान करके बैठे। हमारे पास तो मणि हीरा है, हीरा है, हीरा है वो कांच। अब तो हीरा कांच हीरा थोड़ी हो जाएगा। तुम इस विनाशी को अविनाशी मान बैठे हो, पर को अपना मान बैठे हो, असरण को शरण मान बैठे हो, तो ये भूल तुम्हारी है, उसकी कोई भूल नहीं, और इस भूल का फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तुम दुखी होगे, दूसरा कौन दुखी होगा बोलो? विचारना तो ये तो भैया लोक में कहावत है, पानी पहले से पानी पीने से पहले पूछो कि पानी छनो है कि अनछनो, कि पानी कैसो है। अब पानी बामे से ड्रम धरो तो पी लो, कहीं कैसो पानी, एक पानी कहा को जितो ना आवे पानी आज तो मारे, तो पहले पूछना था ना। तो देह को अपना मानने से पहले पूछना था क्यों, तुम माई हो सकती कि नहीं? देह ने कहा क्या बात है, हम काय को होंगे तुम्हारे, कैसे होंगे, हम चाहे तो भी तुम्हारे नहीं होंगे। वस्तु का स्वरूप बदलता नहीं है तुम्हारे विकल्पों के अनुसार, तुम्हारी कल्पनाओं के अनुसार, पर है वो पर ही रहेगा, उसे चाहे कितना ही अपना मानो। अचरण है वो अचरण ही रहेगा, अनित्य है वह अनित्य ही होगा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। भगवान भी इसमें कर कुछ नहीं पाएंगे, उसको प्रयोजन परक में नहीं डाल पाते। बस वो अविनाशी है, वो विनाशी क्या, कुछ भी अविनाशी नहीं है। अच्छा अविनाशी नहीं है इसलिए प्रश्न उठाओ, तो फिर अविनाशी कौन है? क्या विनाशी तो एक शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट हुई सिद्ध दशा अविनाशी है। व्याख्या करते जाओ, करो व्याख्या। आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला केवल ज्ञान अविनाशी है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी ही अविनाशी है। ये लक्ष्मी पुण्य के उदय की वो नहीं बिना, वो तो विनाशी है, क्षय संभाव विनाशी है। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, वहां से हट जाना ही उपाय है। ये अविनाशी है, विनाशी है, ऐसा जान कर उसका मोह छोड़ना ही उपाय है। समाधि मन के प्रसंग में क्या संबोधन किया है, हमें ज्ञानी ही कैसा कह रहे। अब मैंने कुछ लक्षणों से भली प्रकार जान लिया है कि अब देह की स्थिति थोड़े काल है, ये देह ना हमारे राखे रहेगी ना तुम्हारी राखे रहेगी। चलो वहां बंबई दिखा ला, बंबई क्या करोगे, बंबई क्या करोगे? अब ये देह छूटेगी, डॉक्टर को बुलाए, अरे 15 मिनट में देह छूट जाएगी, डॉक्टर को बुला करोगे क्या? तुम तो सुनाओ, छेदा या भेदा को ले जाए, नष्ट बनो भले,
या अन्य को रीत जाए पर परिग्रह न मेरा है। देह विनाशी मर मैं अविनाशी, जब देह छूटने है तो अब डॉक्टर क्या करेगा इसमें, बंबई क्या करेगी, पैसा क्या करेगा, करेगी क्या उसमें, क्या कर सकती, बोलो। भूजन क्या नाम भूदास जी ने जैन शतक में लिखा, एक व्यक्ति खोटा सिक्का लेकर के या खोटा जेवर लेकर के सराफे में पहुंच गया, सराफा बाजार में एक दुकान पर दिखाया तो दुकानदार, भैया ये तो नगदी देखा भैया, ये ले जाओ, ये ले जाओ, भैया के बाजू बेकार है। तो कभी कह रहा है बुद्धदास जी क्या कहते हैं, खोटो दाम आपनो सराफो कहा लागे बार, जब तुम्हारा सिक्का खोटा है तो वो सराफों को क्या कर रहे हैं, बेचारे बिक्के करेंगे, बोलो। यहाँ तो सभी एक ने सबने सलाह कर ली, तो कौन कहा करे बताओ, अनंत ज्ञानियों का एक मत है, खोटो दाम आपनो सराफो कहा लागे बार, काऊ को न दोष मेरो भोंदू बरकार है। हम क्या करें, लोग न दिखे, अब क्या करें, गलती अपने लड़का की, अब हम का कौन से का कहें, तो अपनी बुद्धि खराब है तब किसको दोष दे, मुझे बता, जब अपनी बुद्धि खराब है तो किसको दोष दे, पर को दोष देने से बुद्धि थोड़ी सुधर जाएगी। जिन वचन कितना सुंदर है, हे भव्य, अपना दोष ही अपने लिए दुख का कारण होता है, कोई परद्रव्य नहीं। जब अपने दोष से दुखी हो तो परद्रव्य निमित्त मात्र है, क्योंकि दोष पर के आश्रय से होगा, वकी आश्रय से दोष होगा नहीं। अब दोष माने मोह, दोष माने कथाएं, तो अब इसको लगाओ, अपनी कॉपी ले लो, बैठो और अभ्यास करो। जब अपने मोह से दुखी होता है तो बालक निमित्त है, स्त्री निमित्त है, पुत्र घर निमित्त है, मरे को याद कर करके रो रहा है, और ज्ञानी संयोग में भी विरक्त हो रहा है, सामने है और विरक्त है, और ये मरे को याद कर करके हो रहा है, बताओ क्या करोगे, भूल कौन की। जब ये मोह से दुखी होता है, मोह से मोह का अर्थ बोलो, अरे भगवान संक्षिप्त से बोल दो, का को ज्यादा बोलते हो, अपने को भूल कर दुखी होता है तब परद्रव्य निमित्त है। मोह के दो निरूपण हैं, एक स्वाश्रित एक पराश्रित, अपने को भूलना मोह है, स्वाश्रित कथन है, और पर को अपना मानना मोह है, पराश्रित कथन है, दोनों एक ही है। जो अपने को भूलता है, अपने को नहीं जानता है, वही पर को अपना जानता है, जो अपने को जानेगा वो अपना, वह पर को कोई अपना नहीं मनवा सकता, उसे कोई अपना नहीं मनवाएगा। तुम तो बहुत बड़े हो, कछु बड़े नहीं हो, शरीर बड़ा है, छयोपशम बढ़ गया है, दो चार क्रियाएं बढ़ गई हैं, लौकिक में जैसे पैसा बढ़ जाता है, लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया, बढ़ गया क्या बोलिए, ऐसे ही छयोपशम बढ़ गया, क्रिया बढ़ गई, बढ़ गया क्या बोलिए, इसमें क्या दम है। लेकिन हम ये कह रहे, तुम तो शरीर की अपेक्षा, छयोपशम की अपेक्षा, क्रियाओं की अपेक्षा बहुत बड़े हो। एक छोटा बालक भी जो अपनी माँ को पहचानता है, वो किसी को अपनी माँ नहीं मानेगा, कोई मनवा नहीं सकता उसे,
चाहे केला खिलाए, चाहे रसगुल्ला खिलाए, चाहे आंचल का दूध क्यों नहीं पिला दे, वो अपना नहीं मनवा पा सकता। छोटा बालक मां एक्सपायर हो गई, दूसरी महिला ने, चाची बुआ कोई भी हो, उसने उस बालक को पाला, उसका भी एक बालक था, तो आंचल से लगा करके दूध पिलाया उस बालक को, और तो भी ये बड़ा हुआ। किसी ने पूछा, क्यों, ये तुम्हारी माँ है? तो आंखों में आंसू आ गए और कहता, क्या करें, हमारी माँ तो हमें पता ही नहीं, हमने देखी नहीं। अब जो ये है जो कछ बुआ है, हमारी माँ नहीं है, पाला है। अरे माँ से अधिक है, माँ ही है। अब जो कछ है सोच तेरे बातें करेगा, लेकिन भीतर उसका स्वीकार नहीं कर पाएगा, ये माँ माँ ही है। क्या बात है, बोलो क्या कह रहे, माँ से अधिक है नहीं हमें पालो को, माने वो तेरे बातें करेगा लेकिन भीतर में मान नहीं पाएगा ये माँ। और अगर उसकी माँ बैठी हो, हमारी माँ है, हमारी माँ है, जो अपने को जानता है उसे कोई परद्रव्य को अपना नहीं मनवा सकता। इसलिए तुम अपने को जानो, प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए, आपा का ज्ञान पहले होना चाहिए। फिर बनवाए कोई कर्म हो, कर्म का उदय हो, कोई नो कर्म हो। हम कहते हैं वो बालक गोद में डाल दिया उस स्त्री ने, और मुन्नाज को लगा ही नहीं ये मेरा बालक। मुन्नाज के सामने उस ग्रस्त अवस्था के पिता पिता आ जाए, हम उनको लगता ही नहीं है हमारे पिताजी। बालचंद्र कुमार को लगा ही नहीं है हमारा महल है। लगते नहीं है, भासते नहीं है, कहने की बातें अलग होती हैं। और जब लगते नहीं है, भासते नहीं है, और कहता है प्रयोजन बस, तब वो व्यवहार न कहलाता है। और कहता भी है और मानता भी है, तब तो वो मिथ्या तो है। रह रहे यहां, बैठे यहां, रोटी खा रहे यहां, सांस ले रहे यहां, है सो रहे यहां, सब काम यहां, और आपका घर कितना बेईमान है, कितना बेईमान है। मनवा नहीं सकता ये हमारा घर। अब जाने है, जैसे यहां दो दिन में बहुत दिन हो गए लगने लगता है, वहां कितने दिन हो गए ये बता तुलना करके, वहां नहीं लगता बहुत दिन हो गए। अब तो चलो बहुत दिन हो गए, निकलो यहां से। यहां से अगर चार से आठ दिन, दस दिन, पंद्रह दिन हो जाए, बहुत दिन हो गए, अब तो चलो। और वहां रहते तुम्हें यहां पंद्रह दिन में बहुत लगने लगता है, वहां पंद्रह साल में बहुत नहीं लग रहा, पचास साल में बहुत नहीं लग रहा, बहुत दिन हो गए। क्यों? ये मोह की, वहां अपना अपना। ऐसे इन ज्ञानियों को नहीं लगता बहुत दिन हो गए, अब बहुत दिन हो गए, चलो अब तो कम घूम आ रहे नहीं लगेगा। कहा मुन्नाज को लगेगा बहुत दिन हो गए, अब तो चलो नहीं, आज देखे बाजार बाजार देखे बहुत दिन हो गए, सिद्ध भगवान को लगेगा इतने दिन हो गए, अब नहीं देख तो है संसार में क्या बदल गया, क्या हो गया, कहते कुछ नहीं। जहां अपना तो है वहां बहुत लगता ही नहीं। हम बहुत करते हैं, बहुत देखते हैं, बहुत जानते हैं, जहां अपना तो होता है वहां बहुत नहीं लगेगा। फिर धर्म कार्य दो घंटे करें तो बहुत करते हैं लगता है, और पाप कार्य 22 घंटे करा सो नहीं लगता बहुत, और दो घंटे भी ईमानदारी के नहीं है वहां भी
मिथ्यात्व का पाप चल रहा है और लगता है बहुत कर दिया हूं। क्यों लगता है? वहां अपनत्व है, यहां अपनत्व नहीं। वहां 22 घंटे भी बहुत नहीं लगते, यहां 2 घंटे भी बहुत लगते हैं जो कि ईमानदारी के नहीं है। ईमानदारी के नहीं है, भीतर उस समय भी मोह बैठा है। भूख जगाने के लिए वैद्य लंघन कराता है। ऐसे ये सब अविनाशी हैं, अविनाशी कुछ भी नहीं है। ये प्रश्न का ये कथन काय के लिए किया? तुझे अविनाशी कौन है? शरण कौन है? ध्रुव कौन है? ये सब अपने नहीं है। कौन? ये सब अपने का अर्थ क्या है? जिन जिन को तुम अपना मानते हो वे सब अपने नहीं। जब अपने नहीं है तो अपना कौन है? कोई तो होगा। अपने बिना बोल कौन रहा है? अपने नहीं है बोलना माने जानना, यहां जानना लेना। बोल तो पुद कर रहा है। ये सब अविनाशी नहीं है, ये जान कौन रहा है? बोलो जान कौन रहा है? वो अविनाशी जान रहा है, अविनाशी जान रहा है। वो अविनाशी तत्व है, महातत्व है, जो ये जान रहा है। ये सब अविनाशी नहीं, गलत गलत। ये गलत को गलत जान कौन रहा है? जो सीखे रम सही है। अगर बैठे ही कोई बालक बैठ जाए और वो भी गलत गलत करने लगे तो उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अध्यापक जो कह रहा है गलत, ये गलत, ये गलत, क्यों? सही नहीं है। उसके ज्ञान में सही है कि नहीं? ज्ञानी को व्यवहार होता है, अज्ञानी को व्यवहार नहीं होता। व्यवहार आभास होता है। क्यों? कि अंदर में भेद ज्ञान नहीं। ये समझ लेना, भेद ज्ञान तुम्हें अभिमान है। भेद ज्ञान, भेद ज्ञान कहते हो? ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, ऐसे भेद ज्ञान को भेद ज्ञान कहेंगे? वेद ज्ञान से मोह टूटता ही है। समसार जी की उत्थानिका में से बोलो, वेद ज्ञान संवर का उत्कृष्ट उपाय है, आश्रमों की निवृत्ति का उत्कृष्ट उपाय है, मोह के नाश का उत्कृष्ट उपाय है। वेद ज्ञान हो और मोह न टूटे, असंभव। तुमने वेद ज्ञान के धोखे से कुछ और किया होगा, शुष्क ज्ञान का अभ्यास किया होगा। वेद ज्ञान का अभ्यास करते हैं और मोह होता है। अरे कहां से हो सकता है? छुत पीड़ा कैसी रह लेगी जब पाए नाथ? बोलो ये मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है जब हमने निर्मोही तत्व तो देख लिया? अब विश्व में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मोह उत्पन्न कर सके। हमारे ज्ञान में लोकालोक झलकेगा, ये तो उस ज्ञान का स्वभाव है। लेकिन कोई मोह उत्पन्न नहीं करा सकता। क्यों? मोह परद्रव्य उत्पन्न कराता नहीं और मोह करना जीव आत्मा का स्वभाव है नहीं। अपने को भूलकर पर की ओर देखे तो मोह आएगा। भूखे पेट देखोगे तो मन चलेगा और भरे पेट होगा तो बिल्कुल मन नहीं चलेगा ना। अब कुछ नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी रखा रहे। संतोषी व्यक्ति का मन चलायमान नहीं होगा कि इस नोट को उठाकर मैं अपनी जेब में रख लूं। ईमानदार व्यक्ति का मन नहीं चलेगा। यही तो हमारी प्रॉपर्टी है, यही तो हमारी संपदा है। हे भाई, महाभाग्य से मनुष्य पर्याय मिली है, ऐसा सुंदर अवसर मिला है। तू धर्म ध्यान कर। धर्म ध्यान के पहले चरण में बोलो,
पहले बोलो, पहले बोलो, पहले नंबर की बात। तत्व ज्ञान का अभ्यास कर, जिनोपदेश को स्थिर मन से सुन। कल क्या कहा था, पापोपदेश से बच नहीं पाओगे आप। आपको पापोपदेश सच्चा लगेगा और धर्मोपदेश नहीं सुना पाएगा अगर धर्मोपदेश में उपयोग नहीं लगाओगे। और विचार करके निर्णय करके देखोगे तो धर्मोपदेश सच्चा लगेगा और वे बातें झूठी लगेंगी। और नहीं तो जे कहेंगे सो सच्ची लग जाएगी, और गुरु कहेंगे या शास्त्र कहेंगे भी अरे ठीक है उन्हें कही थी। रुचि की विपरीतता से ये सारा काम बदल जाता है। दृष्टांत दिया था ना, वो बालक बिल्कुल पित्त जो हुआ, कुछ खाने की इच्छा नहीं। अब दवाई बनाने वाले तो हिंदुस्तान में होते ही हैं 10-20, उन्हें इसको एक काम करो तुम तो कड़ुआ चिरायता दे दो इसका। एक अरे तुम का चक्कर में बड़े, तुम तो गिलोय का रस पिला दो। अरे तुम तो एक काम करो भैया, का लगे हो तुम, मेथी का पानी दे हो। अब सब कड़वी कड़वी चीजें बता रहे, क्या करें वो शांत करने वाला का उपाय भी वही। एक व्यक्ति एक मजाकिया बैठा था, तो बच्चे का चेहरा देख रहा था, जो कहे चिरायता किलो में थी तो बस मुंह से कोड़ दी वे। तो उसने कहा एक काम करो, इसको गरम गरम हलवा तो खिलाओ, गरम गरम हलवा खिलाओ इसको बढ़िया, तो ही बहुत सचेत होगा। अरे अम्मा जी क्या कह रहे, वो तेरी मौत कह रहे, वो तेरी मौत कह रहे हैं। कितनी जल्दी पापोपदेश को कितनी जल्दी सुन लेता है और धर्मोपदेश को नहीं सुन पाता। इससे सिद्ध होता है इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। कान तो है ना सुनने के, लेकिन वो नहीं सुनाई दिया उसे। पापोपदेश से बचना है, बचने कैसे बच पाओगे, ना पापोपदेश तुम्हें असर कर पाए, ना तुम्हें सुना सुनने में उसको रस आए, और ना तुम सुना पाओ। त्याग होता है मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, नौ कोटि जो होता है ना। तो पापोपदेश करना नहीं, कराना नहीं, अनुमोदना नहीं करना, मन में नहीं लाना, वचन से नहीं ना, काया से नहीं। तो पापोपदेश से अप्रभावित कब रह सकती हो, जब धर्मोपदेश में चित्त लगेगा। सुनने की बात वैसे ही नहीं लिखी है, ताहे सुनो भव मन से, मन को स्थिर करके सुनो। पंडित टोटरमल जी की भाषा में अंतरंग प्रीति से सुनो, अंतरंग प्रीति से सुनो, उपेक्षा भाव से नहीं। कि भाई जरा बुढ़ापा रूपी दीमक खा जाएगी इसको, राजा ने देखा यम का दूत आ गया। समझ पड़े हैं पूरा, एक सफेद बाल उखाड़ करके उसने ऐसे हाथ पर रख दिया और राजा बिचारने लगा यम का दूत आ गया, और विरक्त होकर के दीक्षा लेने की तैयारी करने लगा। कह कही रूठ गई। अब कहा है भैया हमारे गंधोदक को भेजे तो है, इन रानियों के साथ भेजा है। राजा दशरथ आए, उन्होंने देखा क्यों क्या बात है। अब हमें को पूछा तो है क्या बात है, कछु हो तुम्हें का लेने देने दूसरी रानियों को गंधोदक। अरे हमने तो उसको वृद्ध सेवक के हाथ भेजा है, आता होगा तब तक वो आ गया। वो लठिया टेकते हुए वो आ गया। भाई अंतर के रनवास में तो वृद्ध और विश्वसनीय सेवक रहते हैं, क्या किसी को थोड़ी लगा देंगे उस ड्यूटी में। सो वो आ गया और इधर वो रूठ रही थी। वो राजा का दिमाग वैसा था, क्यों इतनी देर कहां कर दी। बेचारा थर थर कांपते हुए बोला महाराज अब हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है,
पहले से ऐसे कैसे दौड़ पाऊंगा, अब तो लाठी के सहारे में भी चलने में भी कपते हैं पैर। अब सोचते हैं यही अपनी जीवन पूरा हो जाए, आपकी सेवा कृपा हो जाए आपकी। राजा विनय से क्रोध का अभाव होता है, विनय से क्रोध का अभाव हो जाता है राजा। अब उसको तो विदा कर दिया, जाओ तू भैया, और विचार करने लगे सही तो कह रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, और अपने बैराग की तैयारी होने लगी। मुद्रा देख केवली की मुद्रा याद आवे जहां, यौवन यौवन कैसे उसको जरा बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी, अवे परभव नजीक जाए नरभव निफल है, मिलके मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माए मित्र काय की कुशल है। जनता तक पढ़ा होगा, जो ही दिन कटे सोई आयु में अवस्थि कटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली का जल। देहनित छीन होत नैन तेज हीन होत, यौवन मलिन होत छीन होत बल है, आवे जरा नेरी बुढ़ापा नजदीक आ रहा, आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी, मृत्यु रूपी शिकारी तर रहा तके बैठा है, परभव नजीक आए नरभव निफल है, मिलके मिला पीजन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माए मित्र काहे की कुशल। इसी की सेवा में लगे रहे का कुशल है, तो फिर कुशलता काय में है। कुशल शब्द का शब्दार्थ जानते हो, व्युत्पत्ति अर्थ भाषा विज्ञान से, कुशल कुछ घास होती है, कुशासन बनते थे पहले, अब तो ये कोमल कोमल, और चटाइयों के नाम पर भी कालीनों से ज्यादा कोमल और मोटे और वो आरामदेह बन गए बिलास, केवल एक फैशन रह गई चटाई, काय की चटाई। कुशों की कुशों के आसन बनाते थे गुरुकुलों में, स्वयं अपने जंगल से घास लाए वो कुछ, और जाकर के अपना आसन बना लिया, उस पर बैठ गए। तो उसमें कांटे होते थे कुशासन, तो उसको बड़ी सावधानी से लगा, कांटे न लग पाए और लिया है। उस कुश लाने में चतुर उसको कुशल बोलते, वीणा बनाने में चतुर है वो प्रवीण कहलाता है। प्रवीण हर एक चाहे किसी को प्रवीण नहीं कहेंगे, वीणा बजाने में चतुर, कुश लाने में चतुर कुशल। तो कुशल कौन है, काय की कुशल है। अध्रुव के मोह से अध्रुव से बचते बचते ध्रुव स्वभाव को आश्रय कर ले वह रो कुशल है। जब तक ये देह न छूटे तब तक देह दृष्टि छूट जाए, ये कुशलता है। ऐसी दशा माए मित्र काहे की कुशल है, तो कैसी दशा माए मित्र अब तो कुशल है जी बताओ, इस दशा में ऐसे तो कभी कुशलता नहीं है, तो फिर काहे में कुशलता आ गई। धर्म ध्यान करने में एक कांटे न लग पाए, दुर्विकल्पों के कांटे शिव अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता है, कांटे न लग पाए दुर्विकल्प न आ पाए दुर्भावना न आवे मन में कदापि, बस ये कुशलता है हमारे। जरा रूपी दीमक खा जाएगी इस यौवन के शरीर को, जिस शरीर को देख देख करके सुंदर 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 श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन घुल जाता, इस परिग्रह की संभाल में वो काल के गाल में चले जाएंगे सब। क्यों त्रिकाली नहीं है ये सब त्रिकाली कहाँ है, बिना अविनाशी कहाँ है, ये सब विनष्ट जाएंगे तो फिर क्या होगा। एक सेठ को बस अंतिम बात कह दें, एक सेठ के यहाँ धर्मादा निकालते थे, एक साल घाटा हो गया, तो मुनीम जी बोले शेर जी 50,000 का घाटा हो गया, उस समय 50,000 50 लाख, तो 50,000 का घाटा, बोले धर्मादा कितना निकाले, मतलब ये है अब धर्मादा का निकाले घाटो है 50,000 को, बोले 10,000 निकाल दो, 10,000 निकाल दो का मतलब
अरे भैया अबे काय को काटो, नंगे पैदा भए थे, लोटा डोरे लेके यहाँ आए थे, बीच में आओ, बीच में चलो, घाटो काय को बता, नंगे पैदा भए थे ना, ये नंगे ही रह जाए, सबरे कपड़े पहन चले जाए, कोई ले जाए तो अभी घाटा नहीं है, नंगे पैदा भए थे, ये तो सब बीच में मिले, बीच में छूट गए, और गांव से आए थे, लोटा डेर के आए थे, गिरमी रख के अपनो व्यापार शुरू करो, तो अबे काय घाटो, फिर चलो। तीसरा सेठ जी बोले, सुनो अबे तो रोटी खाए रहे, दूध पी रहे, घी खाए रहे, कपड़ा पहन रहे, घर है, अबे काय घाटो। अरे घाटा, चौथी बात, घाटा पाप का उदय बता रहा है, इसलिए 5,000 तो बेकर दो, 5,000 और कर दे, घाटा पूरी करने का भाई बताओ। अरे परिणाम ना घटे तो कोई घाटा नहीं, परिणाम मत घटाओ, धर्म कार्य को मत घटाओ, अपनी भावनाओं को मत घटाओ। अरे का है, का लेके आए थे, का जा रहे, फिर समय लो, वैसे ही बैठी बैठी का लेने देने बोलो। इतनी सुंदर चर्चा, बोलो बताओ काय का घाटा है, द्रव्यानियोग से घाटा है नहीं, करणानियोग से घाटा है नहीं, पाप का उदय है, पाप का परिणाम तो नहीं, करणानियोग से देखो तो काय का घाटा है, दान करो, पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, है काय का घाटा है। और उसके लिए ये तो नियम है नहीं कि कर्जा ले लेकर करो, जोड़ जोड़ के करो, अरे जितना है उसमें से करो, और नहीं तो अपनी आत्मा को निरंतर ज्ञान दान करो, काय को घाटा, घाटा घाटा काय का घाटा, कब चलोगे, हाँ तो कहाँ चलोगे, जो चला गया वो हमारा नहीं था, और जो हमारा है वो जमीन जहाँ की यहाँ, सोनो जहाँ की था, पैसा यहाँ को था, सब नोट वहां के वहां, हमारा चलोगे कहाँ को चलोगे, हमारा हो तो कैसे याद हो हमसे, सोचो विचार करो, पॉजिटिव विचार करना सीखो, ऐसा विचार करो जिससे तुम्हारा वैराग्य बढ़े, तुम्हारे अंदर में सुख शांति बढ़े, तुम्हारा मोह टूटे, मोह पोषक विचार कभी मत करो। वो लड़का, कौन को लड़का, क्या करेंगे वो नाती, अरे काय को नाती, अरे साहब आप ऐसी बातें कर तो आपके हो नहीं था आप कह रहे हो, अरे तुम्हारे भी नहीं है, मोह से मान लिए हैं, जब तुम्हें भगवान जैसा सुखी होना है, हैं? जब तुम्हें मुंडराज जैसे सुख होना है तो फिर मुंडराज जैसा ही तो चिंतन करोगे, अगर संसारियों जैसे चिंतन करोगे तो संसारियों जैसे, पशुओं जैसे खड़े खड़े खाओगे, पशुओं जैसे खड़े खड़े करोगे जब तो पशु बनोगे, मन का बात सीधी बात है, अगर देव बनना है तो देवों जैसे काम करो, भगवान बनना है तो भगवान जैसा काम करो, अपने दोष बिना परद्रव्य कोई दुख का कारण नहीं होता, इसलिए अपना दोष देखो, किसी का दोष नहीं देखो, चलो ये तो ठीक है अपने हित में, लेकिन अपना दोष है, अभी तक हम इतने मोह में मरे रहे, ये हमारा दोष नहीं है, जो कार्य को कितने पहले कर लेना चाहिए वो आज तक हम नहीं कर पा रहे, तो दोष नहीं है तो क्या है, क्यों भाई, दूध धरोहर पी लिए, पी लिए, पी लिए, पी लिए, गर्मी है, अब वो खट्टा हो गया, फट गया, अब तो दोष कौन को है, अरे तो कितने पहले पी लेना चाहिए, या उसमें चींटी गिर गई, या बिल्ली पी गई, अब दोष कौन को है, कितने पहले जब दूध मिला था और पी लेना चाहिए, अब पी लिए, पी लिए, फिर पी लिए, तो ये बताओ बिल्ली पी गई तो अब क्या करें, बताओ हम क्या करेंगे, दान भोगना, केवल पैसे का ही नहीं होता, या तो सदुपयोग करो नहीं तो नष्ट तो होगा ही, सदुपयोग कर लो, गई सो गई अब राख रही को, जितनी रह गई है उसका सदुपयोग कर लो, गई ता जान दे, बीती ता विसार दे, आगे की सुध ले। ओम नमः।
हे दिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख के, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका